देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ पे है कैंडिडेट की। इसी को हम लोग की बोलते हैं। ठीक है यहाँ पर नहीं ये हो गया। अब क्या है हम न्यूमेरिकल देख रहे हैं। ठीक है अभी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है ये फर्स्ट क्लास में हुआ था। आप प्रीवियस लेक्चर देखिएगा लेक्चर नंबर 1। ठीक है देखिए यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज द कैंडिडेट की। सबको याद है अच्छे से यस या नो। हमने डिस्कस किया था एक टॉपिक ये डिस्कस किया था। ठीक है फर्स्ट क्लास में। दूसरा हमने बोला था सुपर की क्या होता है ना। ये सब टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है अब देखिए अब आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है यहाँ पे सॉल्व कैसे करते हैं प्रॉब्लम्स को। ठीक है अब यहाँ पर देखिए पहले लिखते हैं यहाँ पे एक आर लिखा हुआ है रिलेशन ए बी सी डी। ठीक है इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आर एक टेबल दिया हुआ है। ठीक है और ये किसके एट्रीब्यूट्स है। ठीक है और यहाँ पर अगर ये लिखा हुआ है ये है फंक्शनल डिपेंडेंसीज। ठीक है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है ए टेंस टू बी बी टेंस टू सी और लिखा हुआ है सी टेंस टू डी लिखा हुआ है। क्लियर है यहाँ पर। ठीक है अभी यहाँ पर देखिए मैं अगर आपसे पूछूँ ठीक है कि फाइंड द कैंडिडेट ठीक है यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ फाइंड द कैंडिडेट की। ठीक है यहाँ पर बताना है आपको। ठीक है अब यहाँ पर देखिए जब पूछ सकता है कि कितने नंबर ऑफ कीज है यहाँ पर। ठीक है यहाँ पर कैंडिडेट की बोलिए या फिर की बोलिए दोनों सेम चीज है यहाँ पर है ना। यहाँ पर अभी यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर कैंडिडेट की का डेफिनेशन क्या था। हाँ क्या था हमारा जो हमने पढ़ा था सेट ऑफ मिनिमल एट्रीब्यूट टू डिफरेंशिएट ऑल टपल ऑफ द रिलेशन। ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है सेट ऑफ मिनिमल एट्रीब्यूट्स टू डिफरेंशिएट ऑल टपल ऑफ द रिलेशन ये हमने पढ़ा था। ठीक है तो ये एक बार लोग प्रीवियस क्लास में जाके देख लीजिएगा। ठीक है अभी यहां पर देखिए अब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कैंडिडेट की कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है यहां पर यस अभी हमने इससे पहली वाली क्लास में क्लोजर प्रॉपर्टी देखा वो भी क्लियर हो गया है ना। अभी यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए मैं ए का क्लोजर पूछता हूँ आपसे बताइए ए का क्लोजर क्या होगा। बताइए ए का क्लोजर क्या होगा। तो यहाँ से आपको पता है क्लोजर में ए तो रहेगा ही रहेगा। ए बी को डिटरमाइन कर रहा है बी रहेगा। बी सी को डिटरमाइन कर रहा है सी रहेगा। सी डी को डिटरमाइन कर रहा है क्या रहेगा डी रहेगा। क्लियर है यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखिए देखिए ध्यान से यहाँ पर यस यस यहाँ पे देखिए ए के क्लोजर से हमने ए बी सी डी हमने सब यहाँ पे निकाल लिया ना फाइंड कर लिया। हमने ए का क्लोजर लिया और इसे ए बी सी डी हमने सब फाइंड कर लिया। क्लियर है अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पर देखो अब ये बताओ ये तो सिंगल एट्रीब्यूट है ना। इससे कम कर सकते हैं क्या एट्रीब्यूट को। इससे कम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है सेट ऑफ मिनिमल एट्रीब्यूट ये वर्ड यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है मिनिमल। ठीक है क्या मैं ए प्लस को और कम कर सकता हूँ क्या। चैट करके बताइए आप लोग कर सकते हैं क्या। नहीं कर सकते ना। सिग्नल एक एट्रीब्यूट तो एटलीस्ट है यहाँ पर यस। ठीक है इसका मतलब है कि हम लोग एक से कम तो कर ही नहीं सकते। एक तो रहेगा। इसका मतलब कभी भी अगर ऐसा हुआ ठीक है कि वो सिंगल एट्रीब्यूट से अगर पूरे एट्रीब्यूट डिराइव हो गए। देखिए इस रिलेशन के पूरे एट्रीब्यूट डिराइव हो गए तो ये क्या कहलाता है। ये कहलाता है कि या कैंडिडेट की। मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूँ इट इज ए कैंडिडेट की। क्लियर है। इसमें हम लोग बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स देखने वाले हैं। ठीक है वन बाय वन करके देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है यस या नो। पुष्पेंद्र निकिता क्लियर है ये कैसे हो रहा है। ठीक है सिंपल सा फंडा है। हमने क्या किया ए प्लस कर दिया। ठीक है हमने यहाँ से निकाल लिया। अच्छा रिपीट करना है ओके। ठीक है देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे पूछा है फाइंड द कैंडिडेट की। ठीक है बताना है कि इसमें कौन कौन इस रिलेशन में ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है इससे कौन कौन सी कैंडिडेट की बन सकती है। ठीक है यहाँ पर यस क्लियर पुष्पेंद्र। अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या है। सबसे पहले हमने क्या किया ए का क्लोजर निकाला। कल हमने निकाला था क्लोजर यस याद है। कल हमने क्लोजर निकाला था। हमने ए का क्लोजर निकाला तो ए से इटसेल्फ ए तो होगा। ए से बी बी से सी सी से डी। क्लियर है यस। अब देखिएगा कि मैंने क्या बोला पहला यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक समझ सकते हैं। ठीक है कि अगर मान लीजिए केवल सिंगल एट्रीब्यूट रहता है और उससे अगर आपने क्लोजर से पूरे एट्रीब्यूट्स को जो यहाँ पर है अगर आपने डिराइव कर लिया
तो ये क्या कहलाता है, कैंडिडेट ही कहलाता है, पहला कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट। क्लियर है, क्लियर पुष्पेंद्र? यहां से क्या हो गया, इट इज कैंडिडेट की, तो ये क्या हो गया, ए आपका कैंडिडेट की हो गया। ठीक है, फिर हमने क्या बोला, फिर हमने बोला यहाँ पे वर्ड यूज किया सेटअप मिनिमल एट्रीब्यूट। ठीक है, अब हमको ट्राई करके देखना है क्या हम इसको मिनिमल कर सकते हैं क्या, पर आपको पता है ये तो सिंगल एट्रीब्यूट है, हम इसको मिनिमल कर ही नहीं सकते। यस, ये तो सिंगल एट्रीब्यूट है, हम मिनिमल कैसे करेंगे, क्योंकि अगर एक हटा देंगे तो बचेगा क्या। ठीक है, तो इस कंडीशन में कभी भी अगर सिंगल एट्रीब्यूट होता है और उससे अगर पूरे एट्रीब्यूट डिराइव हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इट इज ए कैंडिडेट की। क्लियर है, अब यहाँ पर देखिए। ठीक है, बताओ मुझे क्या मैं बी प्लस का क्लोजर निकालूंगा, बी प्लस का क्लोजर निकालता हूँ मान लीजिए, अब क्या आएगा देख के बताइए मुझे, अगर मैं यहाँ पर बी प्लस का क्लोजर निकालूंगा तो क्या बचेगा, यस बी सी डी बचेगा, बी सी डी। ठीक है, बताइए इसमें ए है क्या, इसमें ए है क्या, यस या नो, नहीं है ना, तो बताइए ये आपका कैंडिडेट की होगा क्या, जो बी दिया हुआ है वो कैंडिडेट की होगा क्या, नहीं होगा। क्लियर है, ये बी कैंडिडेट की नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर पूरे एट्रीब्यूट होना चाहिए, ए बी सी डी होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या मिसिंग है, ए मिसिंग है, यस, इसका मतलब क्या होगा, ये नहीं होगा, नो कैंडिडेट। क्लियर है यहां तक का पॉइंट, क्लियर पुष्पेंद्र निकिता, क्लियर हो गया ये कैंडिडेट की क्यों नहीं है, ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया, यस ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट देखिए, ठीक है, फिर से पूछता, बताइए क्या सी प्लस कैंडिडेट की है क्या, क्या सी प्लस कैंडिडेट की है क्या, यस या नो, है नहीं है ना, सी प्लस क्या हुआ, सी बस आएगा, सी और डी आएगा, यस, पूरे एट्रीब्यूट आए क्या, नहीं, तो इसका मतलब है ये भी क्या है, इट इज ए नो कैंडिडेट की। ठीक है, यहां पर यस, यहां तक का पॉइंट सबको अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं यहाँ से, ठीक है, कि अगर मान लीजिए इसमें क्वेश्चन आपसे दिया होता कि बताइए ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ठीक है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ये आपका रिलेशन दिया हुआ है, ये इसमें ये एट्रीब्यूट्स है, बताइए क्या यहाँ पर ए बी कैंडिडेट की होगा, बताइए आप, ए बी इज ए कैंडिडेट की, यस या नो, यस, बताइए क्या इसमें ए बी कैंडिडेट की होगा, होगा कि नहीं, देखिए यहाँ पर देखो, ए बी का क्लोजर निकालोगे तो जाहिर सी बात है ए से जब ए बी सी डी आ गया तो ए बी से भी तो वो सेम आएगा, आएगा ना, ठीक है, ए बी सी डी। अब यहाँ पे डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है सेट ऑफ मिनिमल एट्रीब्यूट, मिनिमल लिखा हुआ है ना, तो ये बताओ इसको मिनिमल कर सकते हैं क्या, यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 2 है ना, 2 एट्रीब्यूट है, ठीक है, क्या मैं सिंगल एट्रीब्यूट से भी ये काम कर सकता हूँ क्या, कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर अगर आप ए के थ्रू भी ए बी सी डी ला सकते हैं ना, ये अलग बात है कि बी के थ्रू नहीं ला पा रहे हैं, बी के थ्रू नहीं ला पा रहे हैं, बी सी डी है, ठीक है, बट ये देखो इसके थ्रू तो ले आ रहे हो ना, तो आपने क्या कर दिया, इसको मिनिमल कर दिया, क्या कर दिया, इसको मिनिमल कर दिया, मिनिमल, तो मिनिमल फॉर्म क्या होगा, ये होगा ना, यस, तो ये क्या होगा, ए बी इज ए नॉट ए कैंडिडेट, ठीक है, यहाँ पर यस, इसका मतलब क्या हुआ, ये कैंडिडेट की नहीं होगा, नॉट ए कैंडिडेट की। क्लियर है सबको पॉइंट, क्लियर है, बताइए मुझे यहां तक का पॉइंट सबको अच्छे से क्लियर है कि हमने ए बी को कैंडिडेट की क्यों नहीं कहा, यस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आप लोग बताइए, यस, इसको आप लोग क्या बोलेंगे, अगर हम इसको कैंडिडेट की नहीं बोलते हैं तो क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, यस निकिता, यस, क्या बोलेंगे, सुपर की बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, सुपर की बोलेंगे, याद है हमने सुपर की का डेफिनेशन पूरा सेम है, उसमें क्या वर्ड हटता है, केवल ये वर्ड हटा दीजिए, डेफिनेशन हो गया सुपर की का, है ना, तो उसमें क्या था, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स टू डिफरेंशिएट मल्टीपल ऑफ द रिलेशन, इसमें ये वर्ड क्या था, मिसिंग था, ये तो आपने हटा दिया यहाँ पर, ठीक है, तो जाहिर सी बात है सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स टू डिफरेंशिएट मल्टीपल ऑफ द रिलेशन, ठीक है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है ए है, ए तो जब पूरे यहाँ पे एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर ले रहा है, ठीक है, तो ए भी कर लेगा, सबको पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया, यस या नो, तो नहीं, वो सुपर की भी होगा और कैंडिडेट की भी होगा, एवरी कैंडिडेट की इज ए सुपर की, एवरी कैंडिडेट की इज ए सुपर की, बट एवरी सुपर की इज मे या मे नॉट बी कैंडिडेट, क्लियर है, अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि बताइए बताइए यहां पर जो ए लिखा हुआ है, ये जो ए है क्या सुपर की है, यस या नो,
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या ये सुपर की है, तो यस सुपर की, एवरी कैंडिडेट की इज अ सुपर की, क्लियर है? हमने क्या पढ़ा था इससे पहले, हमने पढ़ा था ये टॉपिक, ठीक है, एवरी कैंडिडेट की इज ए सुपर, ध्यान रख, ठीक है? यहां पर यस हमने ये भी पढ़ा था, यहां पर लिख सकता है, बट एवरी सुपर की इज नॉट ए कैंडिडेट, क्लियर है? ये पॉइंट ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है? यहां तक का पॉइंट सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, यहां तक का पॉइंट सबको अच्छे से क्लियर है? यस, देखिए बताइए मुझे, कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहां तक का पॉइंट सबको क्लियर, क्लियर है? ठीक, अब अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए इसी में एक क्वेश्चन हम लोग और ऐड करते हैं, ठीक है? आपसे पूछूं कि बताइए हाउ मेनी सुपर की इज पॉसिबल, अगर आपसे मैं पूछूं, मतलब ऐसा पूछ सकते हैं, ऐसा मत, ऐसा बोलिए, फाइंड टोटल नंबर ऑफ सुपर, ठीक है? यहां पर यस, टोटल नंबर ऑफ सुपर की कितने होंगे ये बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स मान लीजिए, ठीक है? बताइए कितने हैं यहाँ पर, पुष्पेंद्र, निकिता, बाकी लोग बताइए आप लोग कितने सुपर की है? हमने इससे पहली वाली क्लास में डिस्कस किया था, मतलब पहली क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था, ठीक है? यहाँ पर बताइए कितने सुपर की है, अब ये बताइए मुझे, यस यस निकिता, बहुत अच्छी बात, यस पुरुषोत्तम बताओ मुझे कितने सुपर कीज होंगे, 8 होंगे, यस अच्छे से याद है, आपको पता है, आपने फाइंड कर लिया सबसे पहले कि इसमें कितने कैंडिडेट की हैं, कितने कैंडिडेट की हैं, एक था, एक कैंडिडेट की ए है, उसमें कितने एट्रीब्यूट है, सिंगल एट्रीब्यूट है, सिंगल एट्रीब्यूट है, तो हमको पता है, हमने शॉर्टकट देखा था, 1 2 3 हो गया, कितने हैं, बी सी डी, बी सी डी, हमने क्या वो देखा था शॉर्टकट में, या तो बी को इंक्लूड करो या ना करो, सी को इंक्लूड करो या ना करो, डी को इंक्लूड करो या फिर ना करो, ठीक है? तो यहाँ पे 2 2 2 तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया था, तो कितना हो गया, 8, आंसर आएगा 8, ये शॉर्टकट है, ठीक है? आप पहली क्लास एक बार जरूर देखिए, ठीक है? यहाँ पर यस, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो फर्स्ट क्लास आप लोग जरूर देखिए, आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है पहली क्लास में, ये आपको पॉइंट देख लीजिएगा, यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है अच्छे से, यहाँ तक का पॉइंट सबको अच्छे से क्लियर है, देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कुछ कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, देखिए एक रिलेशन दिया हुआ है, हाँ, ए बी सी डी, वन बाई वन करके हम लोग चलेंगे, ए से दिया है बी, बी से दिया है सी, सी से दिया है डी, और डी से दिया हुआ है ए, ऐसे लिखा, ठीक है? यहाँ पर यस बोल रहा है, बताइए, ठीक है, व्हाट आर दी कैंडिडेट, ठीक है? यहाँ पर यस आपको बताना है इसमें कैंडिडेट की क्या क्या बन जाएगा, बताइए कौन कौन से कैंडिडेट की आपको बताना है, ठीक है? और पूछ सकता है नंबर ऑफ कैंडिडेट की, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, वन बाय वन करके चलेंगे हम लोग, ठीक है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलिए बताइए आपको क्या आंसर है,
चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए आप लोग, फिर हम आगे चले। ठीक यस निकिता, ठीक है निकिता, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बता रहे हैं आप? यस ठीक। यस बताइए क्या आंसर है इसका। पुष्पेंद्र क्या आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का? ओके okay, ठीक है ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये हो गया, अभी यहाँ पे देखिए वन बाय वन करके। ठीक है सबसे देखो ध्यान से, पहले एक बार देखिए फिर आप लोग पहले देख लीजिए यहाँ पर, फिर मैच कर लीजिएगा आंसर। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सेम सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे क्या करना है देखो, हमने क्या किया ए का क्लोजर निकाला। ठीक है यहाँ पर यस क्या आएगा देखो, यहाँ पर ए का क्लोजर क्या आएगा, यहाँ पर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, आएगा यहाँ पर यस। ठीक है अब देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक हो गया ये। फिर यहाँ पर देखो आपने बी का क्लोजर निकाला, क्या आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। अब देखो बी से सी, बी तो रखना ही है। ठीक है यहाँ पर सी से डी, डी से ए, ये भी आ गया आ गया। फिर देखो सी का क्लोजर निकालो, सी का क्लोजर निकालते हैं क्या आ जाएगा, सी से डी आ गया, सी आ गया, फिर डी आ गया, डी का क्या आ गया, ए आ गया, ए से क्या आ गया, बी आ गया, हो गया ए बी सी डी हो गया। ठीक है अब डी का निकाल लेते हैं, डी का क्या आ गया, डी आ गया, डी का ए आ गया, ए का बी आ गया और बी का सी आ गया, आ गया सबको क्लियर है। और आपको पता है सिंगल एट्रीब्यूट है तो आप उसको और मिनिमल नहीं कर सकते। यस ठीक है, हमको अगर दो एट्रीब्यूट होता तो आप एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर करते एक बार। ठीक है यहाँ पर यस, पर सिंगल एट्रीब्यूट है तो यहाँ पे क्रॉस वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है आपको क्लियर हो गया कि सिंगल एट्रीब्यूट है, इससे पूरे एट्रीब्यूट यहाँ पर आ जा रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं पूरे एट्रीब्यूट्स को, तो ये क्या हो गया वो कैंडिडेट की हो गया। ठीक है तो इसमें क्या आ जाएगा ए बी सी और डी। ठीक है इसमें आंसर क्या आ जाएगा 4। अब देखो यहाँ पे ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर एक शॉर्टकट देखिए आप, देखो ध्यान से अब आपको यहाँ पे देखना है शॉर्टकट, यहाँ पे देखिए ध्यान से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है छोटा सा कॉन्सेप्ट है शॉर्टकट, देखो यहाँ पर ठीक है यहाँ पर यस देखिए क्या है, इसको हम लोग बोल सकते हैं रिप्लेसमेंट अप्रोच। ठीक है यहाँ पर यस हम लोग बोल सकते हैं रिप्लेसमेंट वाला ठीक है मेथड। देखो ध्यान से क्या हो रहा है, आपको ये देखना है कि अगर ए से ये डिराइव हो गया, समझ में आ रहा है, अगर मान लो यहाँ पर अगर ए से ये पूरा डिराइव हो गया, क्या हो गया ए बी सी और डी डिराइव हो गया, ए से कंप्लीट ये डिराइव हो गया ना यस। अब आपको ये चेक करना है कि ए कहीं पर किसी एफ डी के राइट में है क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसका राइट हैंड साइड है। ठीक है तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो आपको यहाँ पर ए मिला है ठीक है, वो किसी के राइट में है क्या, चेक करो राइट में है, चेक कर बताओ है कि नहीं, यस या नो है, यहाँ पर ए आपके राइट में है क्या कहीं पर, यस कहाँ पर है, कहाँ पर है। देखिए ध्यान से बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है इससे बहुत जल्दी सॉल्व होगा प्रॉब्लम। ठीक है यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है ये जो यहां पर है, ये जो ए है ये राइट में है, राइट में है ना, अगर राइट में है तो हम क्या करेंगे इसको रिप्लेस कर देंगे। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है हमको क्या चेक करना है कि जिस भी एट्रीब्यूट से यहां पर ये पूरा क्लियर है पूरे एट्रीब्यूट से यहां पर आ गए, तो हमको देखना है कि ये एट्रीब्यूट किसी एफ डी के राइट में है क्या, अगर राइट में है तो उसको रिप्लेस कर देना। तो हमने रिप्लेस कर दिया, किससे रिप्लेस कर दिया, डी से, किससे रिप्लेस किया, डी से। तो
इसका मतलब है अगर आपने इसको इसे रिप्लेस किया है तो जो इससे आ रहा है वही चीज इससे भी आएगा। अगर ए पूरे एट्रीब्यूट को डिराइव कर रहा है तो ये भी पूरे एट्रीब्यूट को डिराइव करेगा, आगे यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? बताइए मुझे, समझ में आया पॉइंट? ये पॉइंट समझ में आया? एक बार चैट करके बताइए मुझे, हम आगे देख रहे हैं उसके बाद। ये पॉइंट सबको समझ में आया? फिर मैं बोल रहा हूँ, फिर से देखना शॉर्टकट यहाँ पे, ठीक है? चेक करो क्या डी कहीं पर राइट में है क्या, किसी एफ डी है यहाँ पर, कहाँ पर है? ये दिख रहा है ना, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है, राइट में देखना, लेफ्ट में देखना, कंफ्यूजन होता है इसमें, ठीक है? हमेशा राइट में देखना है, ठीक है? और रिप्लेस करना है लेफ्ट वाले एट्रीब्यूट से। तो देखो यहाँ पे डी है, यहाँ पे क्या सी है, रिप्लेस कर दो तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, 100% है। जब ये इसको रिप्लेस कर रहा है तो जो ये कर रहा है यहाँ पर भी सेम चीज आएगा और यहाँ पर भी सेम चीज आएगा, ठीक है? यहाँ पर फिर देखो सी है क्या, चेक करो सी कहीं पर है क्या, किसी एफ डी के राइट में सी है क्या, चेक करिए एक बार, है कहाँ पर है, यहाँ पर दिख रहा है सी है। रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, बी से रिप्लेस कर दो, क्या आ जाएगा, बी प्लस आ जाएगा। चेक करो कहीं बी है क्या, बी भी है, अगर हम रिप्लेस करते हैं तो क्या आएगा, ए। ए तो ऑलरेडी हो चुका है, हमारा काम खत्म। कितना आ गया, 1, 2, 3 और 4 आ गया सेम चीज। सबको क्लियर है पॉइंट? जाना ना ये शॉर्टकट है, ये आगे बहुत यूज होने वाला है, ठीक है? ये आपको कॉन्सेप्ट ये याद रखना है, ठीक है? यहाँ पर यस, इससे आपका थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, मतलब आपका जो प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर क्लियर है? सब लोग बताएंगे चैट करके, ये पॉइंट सबको अच्छे से क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, इसको फिर से रिपीट करते हैं। क्लियर है? यस, कंफ्यूजन है कुछ? अभी देखिए हम लोग और क्वेश्चन लगाने वाले हैं, ठीक है? उससे ना और आपका जो कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है? चलिए यहाँ तक हो गया, देखिए नेक्स्ट। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है? सेम पंडा, यहाँ पे पूछा है कि बताइए इसमें कौन कौन सी कैंडिडेट की है, ठीक है? यहाँ पर यस बोल रहा है, कौन कौन सी कैंडिडेट की बताइए इसमें, ठीक है? अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर ना हम लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्लोजर लेना, समझ में आ रहा है? हम लोग यहाँ पर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्लोजर लेना, ठीक है? यहाँ पर यस, हम चाहे तो ए बी का ले लें, चाहे तो सी का, चाहे डी का, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? यहाँ पर यस, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ ए बी को उठा लेते हैं पहले, क्या करते हैं, ए बी को उठाते हैं, क्लोजर निकालते हैं, क्या आएगा, ए बी आएगा, फिर क्या आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा और सी से डी आ जाएगा, आ जाएगा। अब ये बताइए मुझे, यस 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 निकिता, ठीक है? अब मुझे ये बताइए क्या ए बी कैंडिडेट की है, क्या ए बी इज ए कैंडिडेट की, यस या नो? मैं बोल रहा हूं कि बताइए क्या ए बी आपका कैंडिडेट की है यहाँ पर। हाँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए ध्यान से, उसमें मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे ठीक है दो एट्रीब्यूट है, पर ये बताइए मुझे क्या मैं इसको डिकम्पोज करके, ए को अलग करके, क्या ये मैं पूरा एट्रीब्यूट निकाल सकता हूँ क्या, देख के बताओ मुझे उसमें, तो बताइए मुझे क्या मैं ए को अलग कर दिया, मान लीजिए मैंने ए को अलग करके मैं क्या पूरे ये एट्रीब्यूट यहाँ पे डिराइव कर सकता हूँ। चेक करो यहाँ पर ए का ए आएगा, ए से बस ए ही आ रहा है, यस। तो इसका मतलब ठीक है, बी को चेक कर लेते हैं, बी से आ रहा है क्या, क्योंकि तो बी आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग ए बी के थ्रू ही इसको डिराइव कर सकते हैं, इसको अलग अलग करके हम इसको डिराइव नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, ए बी इज ए कैंडिडेट की, बताइए क्लियर है? पुष्पेंद्र बताओ क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है, ए बी इज ए कैंडिडेट की, यस या नो? कोई कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है? क्लियर हो गया ये पॉइंट, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है? यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, अब यहाँ पे फिर से देखिए, अब हम लोग यहाँ पे लगाते हैं शॉर्टकट, ठीक है? देखिए हम चाहें तो एक एक करके हम लोग पूरा लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? पर हमको अब शॉर्टकट पता है तो हम शॉर्टकट लगाते हैं, हमारा टाइम बच जाएगा, ठीक है? अब ये देखो ध्यान से, ये जो ए बी एट्रीब्यूट है किसी एफ डी के राइट में है क्या, देखो अच्छे से, सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है, दोनों एट्रीब्यूट हो सकता है, बताओ ए या बी किसी का राइट में है क्या,
दिख रहा है राइट में, सबको समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से, ये ए बी है, इसका कोई एट्रीब्यूट यहाँ पर कहीं राइट में है क्या? तो आप दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये देखो ये ए है रे, यहाँ पर ये जो ए है ना, ये ए यहाँ पर है ना, यस। तो हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, किससे रिप्लेस करेंगे? डी से रिप्लेस करेंगे, कर दो रिप्लेस, तो क्या हो जाएगा? डी बी हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा? डी बी हो जाएगा। डी बी का भी निकाल के देखो, सेम आएगा पूरा। देखो मैं दिखाता हूँ निकाल के, डी आ गया, बी आ गया, देखो डी से आ गया ए और ए बी से आ गया सी, आ गया ना, यस। चेक करने की जरूरत नहीं है, समझ में आया? देखो डी बी था, डी बी आ गया एज इट इज, फिर देखो यहाँ पे डी से क्या आया, लिख दो ए आ गया, अब ए बी से क्या आ गया, सी आ गया, ए बी से सी आ गया ना। सबको क्लियर है? सबको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर है, ठीक है? फिर से शॉर्टकट अप्रोच यूज करते हैं। बताओ मुझे कहीं पर डी है क्या राइट में? देखो मुझे डी मिला है, कहीं पर डी है क्या राइट में, देख के बताओ मुझे। यस है, यस यस निकिता, यस यहाँ पर है, दिया सी टेंस टू डी दिया हुआ है, तो रिप्लेस किससे करेंगे? रिप्लेस कैसे करेंगे? सी से रिप्लेस करेंगे ना यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे कर दो, ये हो गया सी बी। फिर से आप निकल के देखो, सेम आएगा, फिर से निकल के पूरे एट्रीब्यूट्स आएंगे, करके देख लो यहाँ पे, सी आ गया, बी आ गया, ठीक है, सी से क्या आ गया, डी आ गया, डी से क्या आ गया, ए आ गया, हो गया ए बी सी डी, आ गया, क्लियर है? फिर देखो कहीं पर सी है क्या? अब समझना, अगर मैं यहाँ पे सी ए है, इसको मैं रिप्लेस करूँ तो क्या लिखोगे यहाँ पर? ए बी बी लिखोगे, तो डबलिंग है, हटा दो, क्या हो जाएगा? ये ए बी हो जाएगा, ऑलरेडी हो चुका है ये। सबको पॉइंट क्लियर है अच्छे से? सबको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर है? यस या नो? ये पॉइंट क्लियर है सबको अच्छे से? अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, क्लियर है? तो यहाँ पर क्या आ गया? ए बी, डी बी और सी बी। सबको ये पॉइंट क्लियर है? बताइए मुझे, सबको ये पॉइंट क्लियर है? ए बी आ गया, डी बी आ गया, सी बी आ गया, बताइए देखिए, कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। सबको क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट? सबको क्लियर है? यस या नो? क्लियर है? अभी भी हमको एक बार क्रॉस वेरीफाई करना है आगे, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पर ठीक है, ये होने के बाद में यहाँ पर निकाल लिया ना, अब समझना देखो ध्यान से। अब देखो ये जो डी वाला पार्ट था, डी बी था, ठीक है, क्या सिंगल डी से ही आ सकता है क्या? देख के बताओ, क्या सिंगल डी से डी ए कुछ आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। क्या सिंगल सी से कुछ आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। सी डी ए आ गया। सबको पॉइंट क्लियर है? तो बताना चाह रहा हूँ, सबको क्लियर है? एक बार आप लोग जो है एफ डी बच जाए, एक बार क्रॉस वेरीफाई करके चेक कर लीजिए, और आपको पता है ये रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पर चीजों को, ठीक है? यहाँ पर यस, ठीक है, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है? बाकी जो बच गए हैं उसको भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है? यहाँ पर यस, आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ऐसा भी पॉसिबल है, आप देखेंगे क्वेश्चन में ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा जरूरी नहीं होता कि अगर यहाँ पे दो एट्रीब्यूट है तो हर जगह दो ही एट्रीब्यूट है जो कंडेट किया हुआ, ऐसा भी हो सकता है किसी में दो आए किसी में एक आए, मतलब एक ही ऐसा सेट हो सकता है जिसमें हो सकता है कि एक कंडेट की में दो एट्रीब्यूट रहे और एक में सिंगल रहे, ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, पढ़ाया ना यहाँ पर, जो मैंने टेबल बना के बताया था उसी को मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल फॉर्म में कर। सबको क्लियर है? आप लोग पहली क्लास देखिएगा जरूर, ठीक है, उसमें बहुत डिटेल में मैं डिस्कस किया हुआ है ये सब चीज़ों को, ठीक है, टेबल के फॉर्म में, ठीक है। अभी हम लोग ये इस डेटा के फॉर्म में इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट? सबको अच्छे से क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन है क्या? पुष्पेंद्र, निकिता, बाकी लोग बताइए मुझे, सबको क्लियर है? चलिए अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, ठीक है, अभी और क्वेश्चन करते जाएंगे ना तो ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? अभी यहाँ पर देखिए, इसमें मैं आपको वन बाय वन करके कुछ टेक्निक बताते जा रहा हूँ, ठीक है, आप उसको नोट डाउन करते जाएगा, ठीक है, कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स है, छोटे छोटे ट्रिक्स है, ठीक है, उससे और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ तक हो गया ना, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर फिर से देखो, यहाँ पर क्या क्या आंसर आया था मुझे आंसर बता दो। आंसर में ए बी था, ए बी था, देखो ध्यान से, फिर क्या था यहाँ पर? फिर डी बी था, और फिर क्या था? सी बी था ना आंसर में,
देखो ध्यान से, मैं कुछ और शॉर्टकट यहाँ पे बता रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट देखिए नोट करिए आप, ठीक है। यहाँ तो हो गया ना, अब एक शॉर्टकट हम लोग और देखते हैं। देखो यार, ठीक हो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, देखिए ये कहीं पर एप्लीकेबल है, ठीक है, कहाँ पर नहीं है मैं बता रहा हूँ, ठीक है दोनों। अभी यहाँ पर देखिए कि जब कभी भी अगर ऐसा दिया रहे, समझिए, ठीक है, यहाँ पर जब कभी भी ऐसा दिया रहे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर पूछे आपसे कि कैंडिडेट की या नंबर ऑफ की पूछे यहाँ पर, ठीक है, तो क्या करना है, जो एफडी दिया रहेगा, जो एफडी दिया रहेगा उसके राइट में क्या क्या है उसको चेक करना है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखो नेक्स्ट शॉर्टकट क्या है, सबसे पहले क्या करना, क्वेश्चन अगर ऐसा दिया रहे तो अच्छी बात है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है, आप इसको अलग से कॉपी में ऐसा लिख लेना, ए बी सी डी लिख लेना, लिख लिया यहाँ पे। फिर क्या करना, देखना ए बी टेंस टू सी दिया हुआ है, सी को कट कर देना, ठीक है, सी टेंस टू डी दिया हुआ है, डी है, डी को कट कर देना, ठीक है, यहाँ पर यस, डी टेंस टू ए दिया हुआ, कट कर देना। सबको पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या जो बताना चाह रहा हूं मैं, यस या नो? देखिए ध्यान से, एक शॉर्टकट है, कहाँ पर एप्लीकेबल है कहाँ पर नहीं है, अब एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है, यहाँ पर यस समझ में आ रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी आपका एट्रीब्यूट दिया है रिलेशन का उसको ऐसा लिखो, ऐसा लिख लो, ठीक है, फिर चेक करो राइट पे जो जो एट्रीब्यूट है उसको कट कर, ठीक है। क्या बचा, बी कट होगा क्या, देख के बताओ क्या बी कट होगा, सब लोग देख के बताइए क्या बी कट होगा, यस या नो? क्या यहाँ पर ये जो बी है कट होगा, नहीं होगा, नहीं, क्योंकि ये राइट में बी नहीं है, क्लियर है। इसका मतलब है जो एट्रीब्यूट यहाँ पर कट नहीं होता वो कंपलसरी है, कैंडिडेट की के साथ में रहता है, क्लियर है। जो एट्रीब्यूट यहाँ पर कट नहीं होगा वो हमेशा कैंडिडेट की के साथ में रहेगा ही रहेगा। तो देखो ध्यान से, बी यहाँ पर भी है, देखो ध्यान से, बी इसके साथ में है, बी इसके साथ में है, और बी इसके साथ, सबको पॉइंट क्लियर है, बताइए मुझे, शॉर्टकट ट्रिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, क्लियर है, यस या नो? अब देखो ध्यान से यहाँ पर, अब ये बताओ मुझे कि क्या मुझे सी टेस्ट और डी चेक करने की जरूरत है? अब जरूरत नहीं, मुझे पता है बी होना ही चाहिए, नहीं होगा, ठीक है, डी टेस्ट टू ए चेक करने की जरूरत है, नहीं, मैं देखूंगा ए बी है, बी है, मैं चेक कर लिया ए बी, मिल गया मुझे, मिल गया यहाँ पर, यस मुझे मिल गया, एबीसीडी, एबीसीडी मुझे मिल गया। अब केवल मैं रिप्लेस करूंगा, रिप्लेसमेंट अप्रोच, बस रिप्लेस किया ए से डी, यस डी बी हो गया, बस हो गया, कुछ नहीं करना, बी है, बी तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर आगे चेक करो, डी से क्या आ गया, सी आ गया, सी बी, वो तो रहेगा ही रहेगा, हो गया हमारे काम। सबको पॉइंट क्लियर है, सबको ये पॉइंट क्लियर है, यस क्या? देखिए ध्यान से, वन बाय वन करके मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करते जा रहा हूँ, ठीक है। जनरल अप्रोच भी देख सकते हैं, शॉर्टकट भी अप्लाई करेंगे तो आपको ना चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे यस, टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, सबको क्लियर है, देख के बताइए मुझे, क्लियर है, रिपीट करना है क्या, क्लियर है, यस, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अब देखिए ध्यान से एक चीज और देखिए ध्यान से यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एट्रीब्यूट क्या लिखा हुआ है, ये एबीसीडी एट्रीब्यूट दिया हुआ है ना, देखो क्या दिया हुआ, एबीसीडी एट्रीब्यूट दिया हुआ है। अब देखो ध्यान से, ये जो एफ डी दिया हुआ है इसके राइट में बी सी डी ए लिखा हुआ है ना, यस। अब अगर देखो ध्यान से, अगर मान लो मैं ऐसे लेता हूँ, ए बी सी और डी ऐसा लेता हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने क्या बोला, मैंने शॉर्टकट बताया यहाँ पर कि भाई जो राइट में है उसको कट कर दो, सब समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखो, ए बी कट हो गया क्या, बी कट हो गया, ए कट हो गया क्या, ए बी कट हो गया, सी कट हो गया क्या, सी बी कट हो गया, डी बी कट हो गया, समझ में आ रहा है, पॉइंट समझ में आ रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है, जितने भी एट्रीब्यूट है सब कट हो गए, ए भी कट हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, डी भी हो गया, चारों कट हो गए, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर बताइए कोई ऐसा एट्रीब्यूट है क्या जो फिक्स रहेगा, आप लोग चैट करके बताओ मुझे, यहाँ पर क्या कोई ऐसा एट्रीब्यूट है क्या जो हमेशा कैंडिडेट की के साथ में फिक्स रहेगा, ऐसा है क्या? मतलब कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं होगा जो कैंडिडेट की के साथ में फिक्स रहेगा, क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर आपने जब कट किया तो पूरे एट्रीब्यूट यहाँ से कट होगा, सबको पॉइंट क्लियर, सबको ये पॉइंट क्लियर। तो देखिएगा, अगर कहीं पर भी
अगर कोई एटवुड बच जाता है तो वो कंपलसरी है कि कैंडिडेट टी के साथ पर रहेगा, बट अगर पूरे एटवुड कट हो गए तो आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। सबको क्लियर है? दोनों केस क्लियर अच्छे से? यस, दोनों केस अच्छे से क्लियर है? यस या नो? पुष्पेंद्र, निकिता, बाकी लोग बताइए, आप लोग कुछ पूछना है इसमें? पॉइंट क्लियर अच्छे से? देखिए क्या ना, वन बाय वन करके हम लोग ना जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग वन बाय वन करके ऐड कर रहे हैं, तो चीजें और अच्छे से क्लियर होती जाएगी। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर देखो, देखिए ध्यान से। सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम, जो एट्रीब्यूट दिया उसको लिख लो, ए बी सी डी ई लिख लो। ठीक है, सबसे पहले काम क्या करना है, जो एट्रीब्यूट दिया है यहाँ पे, जो रिलेशन में जो एट्रीब्यूट उसको लिख लो यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करो, कट करो, राइट में जो है कट करो। बी कट हो गया, सी कट हो गया, डी कट हो गया, ए कट हो गया, ई कट हो गया, कुछ बचा क्या? नहीं। इसका मतलब कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जो कैंडिडेट की के साथ फिक्स रहेगा। अब आपको चेक करना है, अगर मिल जाता तो हमारा काम और इजी हो जाता। क्लियर है? अभी हमको नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, अब हम लोग जनरल अप्रोच है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, देखो ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ले लो, ए का क्लोजर लेते हैं, क्या आएगा? ए बी सी आएगा, ये डी आ गया, ठीक है, और ये ई आ गया यहाँ पर से। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई इशू नहीं। ठीक है, चेक करो राइट में है क्या ए, चेक करो राइट में है क्या ये। देखो ध्यान से, याद है मैंने रूल पढ़ाया था आप लोगों को, मैंने इससे पहले वाली क्लास में रूल्स पढ़ाया था, याद है? इसको हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं क्या? डिकम्पोज कर सकते हैं इसको? इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, डी टेंस टू यहाँ पे बी टेंस टू डी और बी टेंस टू ए लिख सकते हैं क्या? यस या नो, देख के बताओ, कर सकते हैं? यस, हम लोग इसको ऐसे बी टेंस टू डी और बी टेंस टू ए लिख सकते हैं ना? यस, डिकम्पोज कर दिया हमने, क्लियर है? अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, पर्टिकुलर एट्रीब्यूट किसी एफ डी के राइट में है क्या? राइट में है, और रिप्लेस कर दो। किससे रिप्लेस करोगे, किससे रिप्लेस करोगे? बी से कर दिया, बी से रिप्लेस हो गया हमारा काम। हमको पता है रिप्लेस किया है मैंने, तो जाहिर सी बात है ये तो रहेगा ही रहेगा। क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? अभी आगे देखो, देखो कहीं पर बी है क्या, कहीं पर बी है क्या, ये भी डिकम्पोज होगा क्या? यस या नो? तो अगर डिकम्पोज होगा तो क्या होगा, ये ए से बी होगा और ए से सी होगा, यस या नो? होगा, ए से बी और ए से सी होगा ना। अब ये देखो ध्यान से, अगर मैं बी से रिप्लेस करूंगा तो क्या मिलेगा, ए ऑलरेडी हो चुका है, बी से रिप्लेस करूंगा ए है होगा, ए तो ऑलरेडी हो चुका है ना, यस। ठीक है, चलो यहाँ देखो, यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक का पॉइंट क्लियर। अब देखो ध्यान से, ऐसा नहीं है कि अभी आपका ये कंप्लीट हो गया, फिर से आगे चेक करना है। ठीक है, देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, अब फिर से चेक करते हैं, ये जो क्वेश्चन दिया है हम लोग एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, क्या सी हो सकता है क्या? सी लेफ्ट में दिया है क्या? नहीं, नहीं होगा, नहीं हो सकता। क्या डी हो सकता है क्या? क्या सिंगल डी हो सकता है क्या? चेक करो, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, नहीं। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, क्या ई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ई हो सकता है क्या? देखो ई तो यहां पर है नहीं लेफ्ट में ना, तो नहीं हो सकता ई भी। क्लियर है? अब समझो ध्यान से, आपको क्लियर हो गया, ए और बी तो है, पर सी हो सकता है क्या? नहीं। डी हो सकता है क्या? नहीं। ई हो सकता है क्या? नहीं। फिर से वेरीफाई करते हैं, क्या सी डी दिया है क्या? सी डी दिया है क्या? नहीं दिया है। क्या डी ई दिया है क्या? नहीं दिया है। क्या ई सी दिया है क्या? नहीं दिया। तो एक बार ऐसा भी क्रॉस वेरीफाई करना है आपको। क्लियर है? अभी आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यस, कभी कभी हमसे क्या होता है, छूट जाती है कुछ चीज। क्लियर है? बताइए मुझे चैट करके, यहाँ तक का पॉइंट सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आ गया ए और यहाँ पर आ गया बी, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इसमें आ जाएगा ए और। सबको क्लियर है? निकिता, पुष्पेंद्र, बताओ मुझे, यहां तक का पॉइंट सबको अच्छे से क्लियर है? यस या नो? क्लियर है? ठीक है,
देखिए क्या है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाएंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और चीजें बहुत जल्दी सॉल्व होंगी, ठीक है। यहाँ पर हो गया, ये नोट डाउन कर लिया। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कितने सुपर की पॉसिबल है, बताइए क्वेश्चन नंबर 3 में कितने सुपर की पॉसिबल है बताइए। अगर इस क्वेश्चन में पूछूं आपसे, मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर दूं कि बताइए कितने सुपर की पॉसिबल, क्या आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा देख के बताओ मुझे। ये मैंने आपको पहली क्लास में आप लोग को मैं करा दिया था, ठीक है। चलिए बताइए, पहली क्लास आप लोग देखेंगे एक बार, ठीक है, उसको फिर से। जिन्होंने पहली क्लास अटेंड नहीं किया है, ठीक है, वो पहली क्लास अटेंड करेंगे। क्या आएगा आंसर, देखो फिर से शॉर्टकट लगाते हैं, फिर से लगाते हैं शॉर्टकट, ठीक है। आप लोग का आंसर आया, आंसर आ गया आप लोग का, बताइए आंसर आया। देखिए ध्यान से, यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर ए दिया ना, ए बी आपको पता है ना, यहाँ पर ए दिया हुआ है, कितने एटरूट बचे, 1 2 3 4, कितने एटरूट है, 1 2 3 4 5 है, कितने फोर? तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 करना है ना आपको, कितना आएगा, सिक्सटीन आएगा, ठीक है। इससे बी से कितना आएगा, कितना है, फिर 16 आएगा, 2 2 2 2 क्रॉस करना है आपको, कितना आ जाएगा, 16। अब ये बताइए दोनों को कंबाइन भी तो करना है जो कॉमन होगा, मैंने क्या बताया था शॉर्टकट में, ए बी 1 2 3 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला था, 16 प्लस 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 8 कितना हो गया, 24 इसका आंसर हो गया। सबको क्लियर है, बताइए ये पॉइंट सबको क्लियर है, यस, समझ में आ गया। देखिए टॉपिक लिंक हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हमने पहले देख लिया, डिस्कस कर लिया इसके बारे में डिटेल में, ठीक है, आप उसको देखिएगा, ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो, है ना, तो आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है पुष्पेंद्र, बताओ मुझे क्लियर है, यस क्लियर आपको, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप, देखिए यहां पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और बोल रहा है कि बताइए कैंडिडेट की क्या है, चलिए बताइए,
चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। बताना है आप लोगों को आंसर वन बाय वन करके। चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहला काम क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम क्या है कि यहाँ पर आपको क्या करना, कट करना है। ठीक है, यहाँ पर कर रहे हैं आप लोग, हो गया। चलिए देखिए यहाँ पर मैच करिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो सबसे पहला काम क्या है, कट करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर देखो सी कहाँ पर है, सी यहाँ पर है, कट कर लो, मैं यहीं पे कर ले रहा हूँ। ठीक है, बी डी है क्या, बी ओ डी कट कर लिया। ठीक है, जी है, कट कर लिया। जी और एफ है क्या, कट कर लिया। क्या बचा, ए ओ डी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि एडी हमेशा क्या रहेगा, कैंडिडेट की के साथ में रहेगा, यस या नो। इसका मतलब क्या होगा कि हमेशा क्या होगा, एडी हमेशा क्या रहेगा, कैंडिडेट की के साथ में रहेगा, कंपलसरी है। ठीक है, तो इसका मतलब है सॉरी ए और ई, हमेशा ए और ई आपका कैंडिडेट की के साथ में तो रहेगा ही रहेगा। तो सबसे पहले जो बचता है हम उसका क्लोजर चेक करते हैं। ठीक है, चेक करो ए ई का क्या आएगा, ए आएगा, ई आएगा, और क्या आएगा, कुछ और आएगा क्या, ए ई, ई बी है, ए डी है, सी है। तो सी टेस्ट तो बी डी है, पर सी कैसे आएगा। अच्छा, यहां से ए बी है, ए बी है सी, पर यहां तो ए और ई है, तो सी कैसे आएगा, नहीं आ सकता ना। क्लियर है सबको, ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है निकिता, ये पॉइंट क्लियर है ना यहाँ पर, कि यहाँ पर सी कैसे आएगा, यहाँ पर ए ई आया। ठीक है, यहाँ पर तो लेफ्ट में कुछ है नहीं यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब है कि हमको इसमें कोई और एट्रीब्यूट को ऐड करना पड़ेगा, तब हम लोग यहाँ पर पूरे एट्रीब्यूट को डिराइव कर सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है। अभी आप देखिए क्या करना है। ठीक है, यहाँ पर ए ई आया, आपने क्लोजर निकाला तो क्या आ गया, ए ई आ गया। ठीक है, आपने क्या ए ई का क्लोजर निकाला तो क्या आ गया, ए ई आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो फिर से क्या करना है, फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, ए ई के साथ में कोई भी एक एट्रीब्यूट को ले लेता हूँ। तो मैं देख लेता हूँ कौन सा एट्रीब्यूट ज्यादा सही रहेगा, तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर बी सही रहेगा, तो मैं बी को पहले ले लूँ। ठीक है, यहाँ पर यस, आप एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बी ले लिया ए ई के साथ में। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया, ए हो गया, ई हो गया, बी हो गया। ठीक है, अब ए बी आ गया, ए और बी दिख रहा है, ए और बी क्या आ जाएगा, ए बी से सी आ जाएगा, ये आ गया सी। ठीक है, फिर आगे देखो ध्यान से, सी से क्या आ गया, बी डी आ गया, डी को लिख लिया मैंने, समझ में आ रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या आ गया, ए बी से क्या आ गया, ए बी से सी आ गया, और सी से क्या आ गया, बी डी आ गया, मैंने लिख लिया इसको। ठीक है, अब देखो ए बी सी डी ई, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से, ई बी से जी एफ आ सकता है, देखो ई और बी से जी और एफ आ सकता है ना, यस लिख लो, ये आ गया जी और ये आ गया, क्लियर है। अब चेक कर लो, ए बी सी डी ई एफ जी आ गया, यस। इसका मतलब क्या हो गया, ए ई बी क्या हो गया,
कैंडिडेट की होगी। क्लियर है? क्लियर है सबको? निकिता क्लियर है पॉइंट ये कि यहां पर ए बी कैंडिडेट की कैसे हुआ? यस या नो बताइए मुझे, ये कैंडिडेट की कैसे हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? मिनिमल है ना, देखो ए से नहीं आ रहा था, मैंने एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड किया तो आ गया यहाँ पर। यहाँ तक का पॉइंट सबको अच्छे से क्लियर है? ठीक है, अभी आगे देखिए ध्यान से। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, रिप्लेस करें। आप लिख लो यहाँ पर, अब ये देखो ध्यान से, यहाँ पर ए कहीं पर है क्या राइट में, चेक करो ए कहीं पर है क्या राइट में, ए कहीं पर है क्या राइट में? नहीं है। अब यहाँ पर देखो, जब कभी ऐसा सिचुएशन आता है तो हम लोग बाकी एट्रीब्यूट से चेक करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, अब यहाँ पे लिख लो, देखो ध्यान से, ए बी सी डी ई एफ और जी, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, शॉर्टकट ट्रिक क्या है थोड़ा सा, यहाँ पे एक और शॉर्टकट छोटा सा है। ठीक है, पॉइंट है, देखो भी हमको पता है ए और ई तो कंपलसरी है, कट कर दो, कंपलसरी है। आपने अभी क्या यूज कर लिया, बी को यूज कर लिया, यस, अभी आपने यहाँ पे बी को यूज कर लिया तो बी को कट कर दो। ठीक है, अब क्या बचा, सी डी ई, सी डी एफ और जी बचा। ठीक है, अब एक एक करके काम करते हैं। ठीक है, देखो पहले अगर मैं एफ को लिखता हूं तो यहाँ पे ए ई एफ आएगा। ठीक है, और कुछ आ सकता है क्या, ई एफ कहीं पर है क्या? नहीं है। ए ई कहीं पर है क्या? नहीं है। ठीक है, ए एफ है क्या? नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, एफ सेटिस्फाई नहीं करेगा, कट कर दो। समझ में आ रहा है? ये तरीका है ना कि भाई हमको क्या क्या कर लिया, क्या बचा है, वैसे में कंफ्यूजन होगा ना, तो हमने क्या इसको चेक कर लिया, ये तो नहीं है भाई, ये तो नहीं है, हमने इसको भी कट कर लिया। ठीक है, फिर से लिखो, आपको ए ई तो लिखना ही लिखना है, क्या क्या एट्रूट बचा, सी बचा है, चेक कर लेते हैं सी के साथ, ए ई सी चेक करो, ए सी कहीं पर है क्या, है, देखो सी दिया हुआ, सी टेंस टू डी बी, चेक करो, लिख लो डी और बी, फिर चेक करो ई बी टेंस टू, लिख रहा है ई और बी, क्या आ गया, जी और एफ आ गया, इसका मतलब क्या होगा, वैलिड है, वैलिड है। क्लियर है निकिता, समझ में आ रहा है? फिर से देख लो यहाँ पर, जो मैंने सी लिखा, सी कहीं पर है क्या, यहाँ पर देखो सी है, यहाँ पर क्या है, सी है, सी को रिप्लेस करो बी आएगा, अच्छा, ये क्वेश्चन है ना, मैं इसको ले लिया क्या, अच्छा ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है ना, मैं इस क्वेश्चन को ले लिया था। ठीक है, फिर से देखें इसको, फिर से देखते, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, आप लोगों को फंडा समझ में आ रहा होगा, क्या फंडा है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन चल रहा है ना, यहाँ पर देखिए, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 100% है, आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, इस टॉपिक से मिस्टेक नहीं करना। देखो सबसे पहले क्या किया मैंने, ए बी सी डी ई एफ जी ले लिया, मेरे को चेक करना और क्या क्या है। अब देखो ध्यान से, मेरे को बार बार पेयर करना है तो मेरे को याद नहीं रहेगा, तो मैं क्या करूंगा, इसका हेल्प लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, ए और ई क्या है, कंपलसरी है, तो मैंने ए और ई को कट कर दिया, कट कर दिया ए और ई को, कट कर दिया। ठीक है, अब क्या बचा, अब ए और ई को ले लो, साथ में बी को आपने एक बार यूज कर लिया है तो बी को कट कर दो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने एफ को यहाँ पे लेके चेक किया, ए ई एफ, ठीक है, कहीं पर भी है क्या, ई एफ है या ए ई है या ए एफ है क्या कहीं पर, नहीं है ना, मतलब क्लियर है ये गलत है, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैंने क्या यूज कर लिया, मैंने एफ को यूज के लिए कट कर दिया। अब फिर देखो, अब क्या बचा, फिर से ए ई, क्या क्या बचा है, सी डी या जी, कुछ भी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। ठीक है, लो यहाँ पर ए ई सी, ठीक है, अब यहाँ पर देखो सी टेंस टू बी डी है, लिख लो। ठीक है, और फिर देखो यहाँ पर ई बी टेंस टू जी एफ है, ले लो। क्लियर है, आ गया ए बी सी डी, फिर यहाँ पर ई एफ जी आ गया, यहाँ पर सबको पॉइंट क्लियर हो रहा है, निकिता पॉइंट क्लियर हो रहा है, यस, ए ई सी कैसे हुआ, यस, समझ में आया कि नहीं, कैसे हुआ यहाँ पर ए ई सी, यस। ठीक है, तो ए ई सी हो गया, यस, हमने यहाँ पे ऐसा कर दिया। ठीक है,
तो हमने चेक कर लिया यहाँ से, तो यहाँ से कट कर दो, इसको कट कर दो, ठीक है। अब चेक करो कहीं पर सी है क्या राइट में, यस सी है राइट में, रिप्लेस करो ए बी को। तो अगर मैं ए बी को रिप्लेस करता तो ए ई बी आ जाएगा, सेम हो चुका है, कोई मतलब, ठीक है। यहाँ पर फिर आगे चेक करते हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब हमने सी ले लिया, सी को ले लिया, ठीक है। फिर से आओ ए ई के साथ में क्या लेते हैं, डी लेते हैं, डी चेक करो, ए ई डी क्या आएगा, ए डी से क्या आएगा, जी आ जाएगा, लिखो जी आ गया। फिर क्या आएगा, फिर देखो ए ई डी जी कहीं पर है क्या, चेक करो कुछ और है क्या, कुछ नहीं है। देखो ध्यान से, ए डी है, ए डी से जी हो चुका है, ठीक है। सी है नहीं यहाँ पर, ठीक है, ए बी है नहीं यहाँ पर, और ई बी है नहीं यहाँ पर, ये फुलफिल नहीं करता है, ठीक है, कट कर। अब करो जी को चेक, तो क्या हो गया, ए ई के साथ में क्या चेक करेंगे, जी को चेक करेंगे। करो यहाँ पर चेक, क्लोजर निकालते हैं, क्या आएगा, ए ई जी, ठीक है। फिर देखो क्या आएगा, कुछ है क्या, जी यहाँ पर है क्या, नहीं है ना, ए जी है नहीं, ई जी है नहीं, ठीक है यहाँ पर, यस क्लियर समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब है ये भी फुलफिल नहीं करता, ये भी हो गया हमारा काम। तो इसमें आंसर क्या क्या आ गया, हाँ इसमें आंसर आ गया, एक आंसर ये आ गया, एक ये आंसर आ गया, और एक ये आ गया। तो आंसर क्या आएगा, ये दोनों आ जाएगा, ठीक है। और पूछे कितने टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की, तो आंसर आएगा टू। समझ में आ रहा है, ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप मिस्टेक करेंगे तो ये बना नहीं पाएंगे। देखिए क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है ना, पर है क्या बड़ा, नहीं है ना, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट है एकदम छोटा सा। सबसे पहले काम क्या करना है, कट करना है, सबसे पहले काम क्या करना है, कट करना है। कट अगर कुछ बच गया तो क्या करना है, उसको हम लोग को लेके पहले चेक करना, ठीक है। और फिर उसमें एट्रीब्यूट को वन बाय वन करके ऐड करना है, और फिर चेक करते हैं। निकिता क्लियर हो गया, एक बार चेक करके बताइए, यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है अच्छे से, कैसे हो रहा है ये, ओके ओके ठीक। यहाँ तक का पॉइंट सबको अच्छे से क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, मतलब और फास्ट आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, आप लोग चेक करिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा सबसे पहला काम कट करना है। कट कैसे करना है, ये एट्रिब्यूट को कट करना है, कट करो। पहले क्या कट होगा, बी सी कट हो गया, फिर क्या कट होगा, ई कट होगा, फिर क्या होगा, बी बी हो चुका है, क्लियर है। क्या बचेगा राइट में, मतलब यहाँ, सॉरी यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे इसमें क्या बचेगा, ए बचेगा, डी और एफ, एफ है कि एफ नहीं है ना इसमें, है ना, राइट हैंड में नहीं है, ए भी नहीं है, और डी है क्या, डी भी नहीं है, क्लियर है। इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला, कि कैंडिडेट टी के साथ में ए एफ डी तो रहेगा ही रहेगा, ए डी एफ तो रहेगा ही रहेगा, क्लियर है, क्लियर है ना। तो यहाँ पर लिख लो क्या हो गया, ए डी और एफ, सबसे पहला काम है इसके थ्रू हमको क्लोजर निकालना, ठीक है। क्या निकालो, ए डी एफ क्या आएगा, ए से बी सी आएगा, और ए डी से क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, आ गया। देखो ध्यान से पहले देख लीजिए, ठीक है, क्या आ गया यहाँ से, ए बी सी डी ई एफ सब आ गया, यस। तो बताओ ए डी एफ कैंडिडेट की हुआ कि नहीं, तो ये बताओ मुझे कि अगर ये कैंडिडेट की हुआ, अगर ये कैंडिडेट की हुआ, ठीक है, तो क्या कोई दूसरा कैंडिडेट की हो सकता है क्या।
अगर इसमें ADF जो आया था वही कैंडिडेट की है, तो क्या इसमें कोई और कैंडिडेट की हो सकता है क्या? देख के बताइए मुझे, समझ में आ रहा मैंने क्या बोला? यहां पर जो एट्रूट बचेगा वो हमेशा कैंडिडेट की के साथ में रहेगा, मैंने बोला ना ऐसा? मैंने क्या बोला कि यहां पर जो एट्रूट बचेगा वो हमेशा कैंडिडेट की के साथ में रहेगा, है ना? 100% है, यस यस निकिता एकदम सही आंसर है, ठीक है? इसका मतलब है कि अगर ADF की क्लोजर निकालने से अगर कैंडिडेट की मिलता है, इसका मतलब है इसमें कोई दूसरा कैंडिडेट की नहीं होगा, केवल इसमें ओनली वन कैंडिडेट की होगा जो कि ADF होगा। क्लियर है? ये पॉइंट आएगा, आपको चेक करने की जरूरत नहीं, आंसर आएगा इसमें ये और आंसर आएगा इसमें वन। क्लियर? अच्छे से क्लियर हो गया सबको? क्लियर है अच्छे से? चलो ठीक है, ये क्वेश्चन लगाते हैं इसको, ठीक है? यहाँ पर देखो, सबसे पहले काम क्या है, सबसे पहले काम क्या है हमको कट करना है, कट करो, क्या कट करोगे? बी कट हो गया, सी कट हो गया, क्या हो गया? डी कट हो गया, क्या बचा? ए ई एफ, क्लोजर निकालते हैं, ठीक है ना? बी सी डी कट कर दिया, ए ई एफ, क्लोजर निकालो, क्लोजर क्या आएगा? ए ई एफ, क्या आएगा? ए सी आ गया बी, बी से आ गया सी, और ए सी से आ गया डी, हो गया हमारा काम, हो गया। क्लियर है हमारा? देखो यहां से हमने कट किया तो AEF है क्या? नहीं है ना, यहाँ लिख लिया, क्लोजर निकाल दो इसका। सबसे पहला जो बचे उसका क्लोजर निकाल दो, क्या बचेगा? AEF लिख दो, A का क्या बचा? B लिख दिया, ठीक है? B का क्या बचा? C, और AC, A और C मिला क्या हो गया? D बन गया, हो गया। हाँ सुपर किया, देखो अगर आपसे पूछता सुपर की निकाल, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे बोलता है कि बताइए इसमें कितने सुपर की है, तो इसमें कैंडिडेट के कितने हैं? कैंडिडेट के इतने हैं, एक ही कैंडिडेट की है जो कि क्या इसका ग्रुप है, तो क्या होगा? AEF लिख लो, इसके बाद में कितने एट्रिब्यूट बचे, इसको काउंट करना है, वन वन काउंट करना है, ठीक है? कितने बचे यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6, 6 है, 1 2 3, यस, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 कितना आ जाएगा? 8, आंसर आएगा 8 सुपर। क्लियर? हाँ यस यस निकिता, बहुत सही आंसर एकदम, ठीक है? यस, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट सबको अच्छे से क्लियर हो गया? यस, एक बार चैट करके बताइए मुझे, क्लियर है? निकिता क्लियर हो गया? कुछ डाउट है? क्लियर अच्छे से कैसे करना है बताइए मुझे, अच्छे से क्लियर है? देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन गेट में आए हुए हैं, ठीक है? आप लोगों को पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करके देखना है, कहीं पर भी कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछना, ठीक है? यहाँ पर यस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है? सेम कुछ नहीं करना, यही कॉन्सेप्ट लगाना है और जितने भी क्वेश्चन है सब बन जाएंगे, ठीक है? जहां भी डाउट होगा आप लोग पूछिए, क्लियर है निकिता? क्लियर? यस, कुछ पूछना है क्या? ठीक